नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आइए हम जानते हैं पिछले 24 घंटों में बिहार में कोरोना की क्या स्थिति रही। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में होली का त्यौहार है, ऐसे में प्रवासी बिहार के लोग बिहार आ रहे हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अब बस स्टैंडों पर भी बिहार से बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखा जा रहा है। दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों से कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही अगर उनमें कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो कोरोना जांच करने की भी बात कही गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 47,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 275 लोगों की मौत हो गई है। इधर बिहार सरकार ने होली मिलन समारोह के साथ ही और भी अन्य कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और कहा है कि बिहार से बाहर से आने वाले लोग होम क्वारंटीन में रहें। ऐसे में आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना की क्या स्थिति रही। बिहार में पिछले 24 घंटे में 54,658 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 2,61,583 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 630 है। तो ऐसे में आइए अब जान लेते हैं प्रदेश की नज़र कि प्रदेश के जिलों की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर। तो बात अगर हम औरंगाबाद की करें तो औरंगाबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अगर हम बांका की बात करें तो यहां 1 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बेगूसराय में 8, भागलपुर में 7, भोजपुर में 6, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 2, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 1, कटिहार में 1, किशनगंज में 3, लखीसराय में 1, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 2, नवादा में 1, पटना में 50। सबसे ज़्यादा मामला हम कोरोना के शुरुआती दिनों से ही देख रहे हैं कि पटना यानी कि राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब एक बार फिर से पटना में जो है 50 कोरोना के मामले सामने आए हैं। रोहतास में 4, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, शिवहर में 1, सिवान में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 1, पश्चिम चंपारण में 5, बक्सर में 1 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है। बिहार में अगर हम पहले डोज और दूसरे डोज मिलाकर अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो 23 मार्च 2021 को 98,191 लोगों को वैक्सीन दी गई। वहीं अगर हम अब तक के कोरोना वैक्सीन की बात करें तो 21,11,419 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब हम बात करते हैं बिहार में फर्स्ट डोज के बारे में, तो 23 मार्च 2021 को पहला डोज जो है 89,951 लोगों को दिया गया। वहीं अगर हम बात अब तक के पहले डोज की बात कर लें तो 17,10,415 लोगों को यह डोज दिया गया है। वहीं अगर हम दूसरे डोज की बात करें तो 23 मार्च 2021 को 8,240 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। वहीं अगर हम अब तक के दूसरे डोज की बात कर लें तो यह पूरा जो आंकड़ा है वो 4,01,004 लोगों को अब तक जो है ये वैक्सीन दी जा चुकी है। तो ये थी बिहार के पिछले 24 घंटों की कोरोना की अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।